बच्चों ऐसे कंटिन्यू हो चुके हैं हमारे, और ऐसे के हमने फर्स्ट ऐसे का फर्स्ट पार्ट भी हमने कर लिया था कंप्लीट। और क्या कर लिया था ये आप हमें ज़रूर बताएंगे, क्यों? क्योंकि आज हम माई वॉच का पार्ट सेकंड कवर अप करेंगे। ओके, तो पार्ट सेकंड कवर करते हैं हम। उससे पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बच्चों, कि आपने मेरे संग फर्स्ट पार्ट में कवर किया था मार्क ट्वेन के लिए, तो मार्क ट्वेन से आप कितना जान पाए हैं उनके बारे में? आप मार्क ट्वेन के लिए क्या कह सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक और नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आप इनके लिए थिंकिंग रखते हैं? देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से तो जो हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है, मार्क ट्वेन बहुत ही कम बोलने वाले इंसान हैं। इवन लिटिल सैम एज पर लीजेंड आल्सो टोल्ड दैट कि मैंने मेरे फादर को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। तो ये जो सिचुएशन है ये हमें कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं कि क्या वाकई में सर नहीं बोलते थे। सेकंड थिंग जो हमने आपको बार बार बताई थी बच्चों, वो क्या बताई थी कि छोटे छोटे मुद्दों पे अपने बात को इतने अच्छे से कहने के माहिर है ये, कि हमें खुद को लगता है कि क्या ये भी एक क्रिएटिविटी है क्या? यस, दिस वन इज़ अ क्रिएटिविटी बिकॉज ही पिक्ड अ स्मॉल इशू एंड फ्रॉम दैट इशू ही क्रिएट एन एसे और विल से दैट अ स्टोरी। ओके, तो शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, एसेज इनके बुक्स हैं। ये हमने देखा, इनका एक ऑटोबायोग्राफी बुक भी हमने कवर किया था हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा कवर की हुई, तो बच्चों क्या लगता है आपको कि क्या हम भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में से ऐसा कोई इश्यू जो अराइज हुआ हुआ है, या हमें जो लगता है क्या हम भी कोई ऐसे या कोई स्टोरी या रिपोर्टाज हम क्रिएट कर सकते हैं? नो डाउट, ऑब्वियसली वी विल। तो कहीं ना कहीं हम भी इंस्पायर हो रहे हैं सर से, और हमें भी लगता है कि यस हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक घड़ी की बात चल रही थी। घड़ी तो आपका भी शौक है और मेरा भी शौक है ना? तो घड़ी की जो बात चल रही थी बच्चों, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे जो ऑथर हैं उनके पास में एक वॉच होती है। ओके, उस वॉच के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पजेसिव थे। उनको लगता था कि मेरे लिए ये मेरा गोल्डन गिफ्ट है और मैं इसे बहुत संभाल के रखता हूँ। बट जब हमने आपको समरी कवर करवाई थी पार्ट सेकंड में, तो हमने एक चीज़ और बताई थी बच्चों। हमने आपको कवर किया था कि कैसे एक दिन रात के समय हमारे ऑथर की घड़ी गिर गई थी, और जैसे ही ऑथर की घड़ी गिरी, इनके दिन और रात का जो चैन है वह भी गिर गया। जी हाँ, वह भी खो गया। बिकॉज हम क्या देखते हैं, ऐसी कंडीशंस आ गई कि नेक्स्ट डे जब ये शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं, तो शॉपकीपर जो हैं, अलग अलग शॉपकीपर अलग अलग राय देते हैं। कोई घड़ी को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा देते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, कोई तो घड़ी को बहुत ही स्लो कर देते हैं, और कोई तो नई ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो पजेसिवनेस है हम सब में होता है, इवन बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होता है, और हम सब देखते हैं कि हमारी तो जो दिनचर्या है वही इस घड़ी से ही शुरू होती है। स्टार्टिंग मॉर्निंग आवर्स में ही मदर क्या कह देती हैं, अरे टाइमिंग लगा लीजिए, अपनी वॉच में अलार्म सेट कर लीजिए, बिकॉज आपको कोचिंग जाना है, आपको स्कूलिंग करना है ना? तो ये जो सरकमस्टांसेस है इस घड़ी को लेके, और हमारे ऑथर भी इन्हीं सरकमस्टांसेस से गुजर रहे थे, वो भी बहुत पजेसिव थे। तो आज हम हमारे पार्ट सेकेंड में बच्चों कंटिन्यू करेंगे चैप्टर रीडिंग। ओके, तो जब हम चैप्टर रीडिंग की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसको कवर करने की, प्लस हम कवर करते हैं हार्ड वर्ड्स। ओके, तो हम आपसे एक ही कहेंगे कि आप भी हमारे संग तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि हम लाइन बाय लाइन इसको रीड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, और जितना भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप इजीली हमें राइट डाउन कर सकते हैं, हम उसे ज़रूर सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी आप तैयार हैं ना हमारे साथ में? ओके, देन रेडी विद मी, वी विल स्टार्ट हेयर।
ब्यूटीफुल चीज़ों से ही बात हो रही है और यहाँ की पहली लाइन ही हमें ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बता रही है। माई ब्यूटीफुल न्यू वॉच हैड रन 18 मंथ्स विदाउट लॉसिंग और गेनिंग। इनकी जो घड़ी है, हमारे ऑथर महोदय की जो घड़ी है, बिना किसी घाटे या बिना किसी बेनिफिट, देखिए लॉसिंग और गेनिंग, लॉस मतलब कम होना, गेन मतलब ज़्यादा बढ़ना, तो बिना किसी हानि लाभ के ये इनकी जो घड़ी है निरंतर कितना टाइमिंग चली बच्चों, यस 18 मंथ्स इसने कवर किया था एंड आफ्टर दैट विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स मशीनरी और स्टॉपिंग। और सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इन 18 मंथ्स में इनकी घड़ी का एक भी तो पार्ट नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था, एक भी पार्ट जो है वो कहीं फॉल्ट में नहीं आया था, और हम कह भी सकते हैं उसी चीज़ की वजह से इनकी जो घड़ी है वो बिल्कुल भी स्टॉप मोड पे नहीं आई थी। ओके, आई हैड कम टू बिलीव इट इनफैलिएबल इन इट्स जजमेंट्स अबाउट द टाइम of day and to consider its constitution and its anatomy impossible। अब हम क्या देखते हैं कि ये कंडीशन तो ओके बहुत अच्छी चल रही है, ऑथर महोदय संतुष्ट हैं। एक बार क्या होता है, इन्होंने तो ये चीज़ बिलीव भी कर ली थी, इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मीन्स नेवर मेकिंग मिस्टेक, कभी भी बिना मिस्टेक के जो चलने वाली इनकी घड़ी थी उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और ये कंसिडर करते थे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द वे द पार्ट्स ऑफ अ थिंग आर पुट टुगेदर, सारी चीज़ों को असेंबल, घड़ी के जितने भी साजो सामान थे, घड़ी के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उन सबको असेंबल करके इतना वेल मैनेज करके इनकी घड़ी को बनाया गया था कि ये अपने आप में प्राउड फील करते थे। बट है बच्चों, बट एट लास्ट वन नाइट आई लेट इट रन डाउन। एक बार गलती से क्या होता है, एक रात को हमारे ऑथर महोदय के हाथ से उनकी जो घड़ी है वह गिर जाती है और यहीं से शुरू होती है घड़ी का नया एपिसोड। जी हाँ, नए एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, क्यों अब 18 मंथ्स तक तो कोई बात ही नहीं हुई थी तो हमने फटाफट उसे कवर कर लिया था, बट हमारा मेन जो थीम है स्टोरी का, ऐसे का, वह यहीं से शुरू हो रहा है। आई ग्रीव्ड अबाउट इट एज इफ इट वर अ रिकॉग्नाइज्ड मैसेंजर एंड फॉर रनर ऑफ कैलमिटी। और यहाँ पे बच्चों फॉर रनर का मतलब मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, फॉर रनर इट मीन्स अ पर्सन और अ थिंग दैट इज एन अर्ली एग्जाम्पल और अ साइन ऑफ समथिंग दैट अपीयर्स लेटर। एक एग्जाम्पल है कि बहुत टाइम बाद में उसका रिजल्ट हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए इनके संग भी यही हुआ, इनकी घड़ी गिर गई और इन्हें बहुत दुख हुआ, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कैलमिटी इनके ऊपर आ चुकी थी। बट बाय एंड बाय आई चीयर्ड अप, लेकिन जो होना था वह तो हो चुका है, तो वो चेयर अप भी कर रहे हैं। सेट द वॉच बाई गैस एंड कमांडेड माई बॉन्डिंग्स एंड सुपरस्टिशंस टू डिपार्ट। और अपने आप को चेयर अप करते हुए इनके अंदर जो भी इस गलत फहमी में कि घड़ी गिर गई है, घड़ी बंद हो गई है, तो कई तरह के सुपरस्टिशंस होते हैं लोगों में, तो उन सबको अपने माइंड से रिमूव करके ऑप्टिमिस्टिक, जी हाँ, सकारात्मक सोच रखते हुए ऑथर जो हैं अपने आप को चेयर अप करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी घटनाएँ मैं नहीं फील करता हूँ, ये सब तो होती रहती हैं। नेक्स्ट डे आई स्टेप्ड इनटू द चीफ ज्वेलर्स टू सेट इट बाय द एग्जैक्ट टाइम एंड द हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टुक इट आउट ऑफ माय हैंड एंड प्रोसीडेड टू सेट इट फॉर मी। अब होता क्या है, घड़ी के लिए पहले तो एक गलतफहमी पाल लेते हैं, सुपरस्टिशंस हो जाते हैं इनको, बट लेटर ऑन ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हैं और उस माइंड मेकअप के द्वारा ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं होना, हम तो पॉजिटिव हैं, इट्स ओके, इट्स अ डेली रूटीन कि मेरे हाथ में थी घड़ी और गिर गई। तो उसके बाद में क्या होते हैं, नेक्स्ट डे ये क्या करते हैं, ये चीफ ज्वेलर्स शॉप, यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं मेटाफर यूज़ किया गया है, आप लिटरेचर
के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आपने पोएम्स मेरे संग कवर की है, तो आप मेटाफर्स को, सिमिले को ज़रूर समझते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर को क्लियर किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, ज्वेलर्स, चीफ ज्वेलर्स, इट मीन्स जो चीफ शॉपकीपर होते हैं, जो वॉचेस को ठीक करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक और मेटाफर के रूप में, वॉच डॉक्टर्स। ओके, तो वॉच डॉक्टर्स के पास में घड़ी जाती है और वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंस्टीट्यूशन, अ शॉप। ओके, तो एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑथर के हाथ की घड़ी को निकाल लेते हैं और प्रोसीड करते हैं, इट मीन्स उसको ठीक करने के काम में लग जाते हैं। Then he said, she is 4 minutes slow. Regulator wants pushing up. और सारी छानबीन करने के बाद में घड़ी की जो वॉच के शॉपकीपर है वो क्या कहते हैं बच्चों, कि अरे आपकी जो घड़ी है ना वो 4 मिनट, कितना बच्चों, 4 मिनट स्लो चल रही है, और इस 4 मिनट स्लो को तो मैं ठीक कर दूंगा। और इस तरह से जो रेगुलेटर को वो पुशअप करके उनका जो भी सिस्टम होता है उससे उस घड़ी को वो तैयार कर देते हैं। आई ट्राई टू स्टॉप हिम, लेकिन हमारे ऑथर की हालत देखिए बच्चों, ही ऑलवेज ट्राइड कि नहीं नहीं आप मेरी घड़ी को खोलो मत, आप मेरी घड़ी का स्पेशली टाइम को तो आगे ले जाओ ही मत, जो है इट्स ओके। लेकिन हम क्या देखते हैं, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही द वॉच केप्ट परफेक्ट टाइम, बार बार बताना चाह रहे थे अरे आप टाइमिंग के ऊपर मत जाइए, मेरी जो घड़ी है वह बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट समय बता रही है, तो आप इसके लिए इस चीज़ को, इट मीन्स जो टाइमिंग सेटर है इसे मत डिस्टर्ब करिए। बट नो, ऑल दिस ह्यूमन कैबेज कुड सी वॉच दैट द वॉच वॉज 4 minutes slow and the regulator must be pushed up a little. परंतु होता क्या है, आपने खुद ने भी देखा होगा कि शॉपकीपर्स जो हैं, हम कितना भी उनको मना लें, कितना भी अपनी बात रख लें, बट वो अपनी ही बात पे कायम रहते हैं। अब हमारे ऑथर के संग भी यही प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑथर ने तो कह दिया मेरी घड़ी को छेड़ो मत, इसका ये टाइमिंग का तो बिल्कुल भी स्लो मत करना। बट होता क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारा जो दिमाग का कीड़ा होता है, वॉच की जो शॉपकीपर की हम बात कर रहे हैं, तो उनके जो दिमाग का कीड़ा है ना वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, 4 मिनट स्लो है और वो रेगुलेटर को ज़रूर ज़रूर पुशअप करना है, बार बार कहते हैं अरे सर आपको पता नहीं है ये ज़रूरी है, इसके बिना आपकी घड़ी आगे सही टाइम दे ही नहीं पाएगी। एंड सो व्हाइल आई डांस्ड अराउंड हिम इन एंग्विश एंड इम्प्लोर्ड हिम टू लेट द वॉच अलोन, अब होता क्या है कि शॉपकीपर के आसपास बार बार मंडराने लग जाते हैं ऑथर, और डांस का यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि डांस कह के हमें ये बताया गया है कि अपने आप को बहुत बेचैन समझते हैं, एंग्विश, एंग्विश इट मीन्स उनको बहुत ही मेंटल सफरिंग हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरी घड़ी के संग छेड़छाड़ की जा रही है ना। तो जब ये घड़ी के संग छेड़छाड़ की जाती है बच्चों, तो इनको ये बार बार चक्कर काटते हैं शॉपकीपर के पास में, अरे आप मत टच करिए, आप मेरी घड़ी को हाथ मत लगाइए, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो बार बार रिक्वेस्ट जो है, मेरी घड़ी को अकेला छोड़ दो, मेरी घड़ी को अकेला छोड़ दो, बट हम क्या देखते हैं वो नहीं मानी जाती। ही कामली एंड क्रूअली डिड द शेमफुल डीड, और बेशर्मी से शॉपकीपर ने वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। क्या काम हुआ है बच्चों, याद करिए, जो घड़ी को शॉपकीपर कहते हैं 4 मिनट स्लो चल रही है, उसको वो पुशअप दे देते हैं, ओके, पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑथर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है, माई वॉच बिगेन टू गेन, अब नया कारनामा हो गया, इट्स ओके, ऑथर को तो गिल्टी फील हो रही है कि मेरी घड़ी से छेड़छाड़ हो गई, बट अब नया कारनामा शुरू हो गया। और नए कारनामे में हम क्या देखते हैं बच्चों, कि जो घड़ी है ना अब बहुत ज़्यादा गेनिंग करने लग गई है, गेनिंग इट मीन्स बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है, उसमें क्या बढ़ गया, क्या वह फैटी हो रही है, क्या वह उसके अंदर कोई चीज़ की स्वेलिंग हो रही है, आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो देखते हैं क्या होता है। ओके,
इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे। अब जो स्लो बोल के उन्होंने उसको थोड़ा सा पुशअप किया था, हम क्या देखते हैं, जो घड़ी है वो तो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मीन्स दिन प्रतिदिन जो है जल्दी और जल्दी और ज़्यादा टाइम बताने लग जाती है। Within a week, it sickened to a raging fever and its pulse went up to 150 in the shade. अब होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को prominently रखने के लिए, देखिए बच्चों ऐसे में Mark Twain ने किस तरह से अपने शब्दों को use लिया है, किस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं ताकि हमारे ऊपर, it means readers के ऊपर बहुत अच्छा impression पड़े। सबसे पहले देखिए sickened का meaning होता है यहाँ पे made feel disgusted, बहुत ही ज़्यादा परेशान, विक्षुब्ध होना, और रैगिंग का मतलब होता है वेरी सीवियर। हम क्या देखते हैं कि घड़ी इतना तेज भाग रही है, इतना जल्दी जल्दी चल रही है कि ऐसे लग रहा है कि वह नाराज़ हो गई है और उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया है। रैगिंग, रैगिंग मीन्स वेरी सीवियर, वेरी सीवियर फीवर हो गया है उनको। और फीवर भी आपको पता है कि जब सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में जब बढ़ता है तो पल्स रेट कितनी हो जाती है, पल्स आपने पता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं कि फीवर हो गया है तो डॉक्टर यहाँ पे हाथ लगा के देन स्टेथोस्कोप को यहाँ और यहाँ लगा के पता करते हैं कि कितना फीवर हो रहा है ना, या फिर हमारी टंग के नीचे टेम्परेचर मापने के लिए वो रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो पल्स रेट है घड़ी की, किसकी बच्चों, घड़ी की, ना कि ऑथर की, घड़ी के पल्स रेट जो है 150 की स्पीड से चल रही थी। इट मीन्स घड़ी को बहुत तेज फीवर हो गया था, फीवर होना, घड़ी को फीवर होना, इट मीन्स उसका जो टाइमिंग है वह 4 मिनट स्लो बोल के इतना बढ़ा दिया गया कि वह 150 पल्स रेट से आगे बढ़ रही थी। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ 2 months इट हैड लेफ्ट ऑल द टाइम पीसेस ऑफ द टाउन फार इन द रियर एंड वॉज अ फ्रैक्शन ओवर 13 days अहेड ऑफ द एल्मनक। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स अ स्मॉल पार्ट और अमाउंट। एल्मेनक, एल्मेनक मीन्स अ कैलेंडर। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि घड़ी की रफ्तार कितनी पहुंच गई है बच्चों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो घड़ी है वो टाउन की जितनी भी घड़ियाँ थी उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, और एक इसका छोटा सा अंश जो है 13 days अहेड हो चुका है। जो हम कैलेंडर अगर देखते हैं, एल्मेनक, एल्मेनक मीन्स कैलेंडर, कैलेंडर अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि घड़ी की जो रफ्तार है वो इतनी तेज हो गई है कि 13 days आगे अपना टाइमिंग शो कर रही है। इट वॉज अवे इन टू नवम्बर। अब बातों को और किस तरह से हमें समझाया जा रहा है और देखिए, इट वॉज अवे इन टू नवम्बर एंजॉइंग द स्नो वाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग। अब एक और बात से हमें समझाया जा रहा है कि मेरी जो घड़ी है ना वह तो यह शो कर रही है कि चलो नवंबर आ गया है और नवंबर की जो बर्फबारी है उसका आनंद उठाया जाए, लेकिन हम क्या देखते हैं उस टाइम तो अक्टूबर चल रहा था और अक्टूबर में जो पत्तियाँ, आपने देखा ऑटम ब्रेक्स हमारे आते हैं तो अक्टूबर में जो पत्तियाँ हैं वो टर्निंग ले रही थी, कहीं पतझड़ सा कहीं गिर रहा था, पत्तियां गिर रही थी, तो वो सीज़न तो घड़ी ने आने ही नहीं दिया और उससे पहले ही नवंबर की स्नो का लुत्फ उठाने के लिए वह तैयार हो गई है। इट हरीड अप हाउस रेंट। अब लेकिन हम इन सब के तो चलो कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई कि स्नो को एहसास हो रहा है और ये हो रहा है, लेकिन हमारे ऑथर महोदय की तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई बच्चों। हमारे ऑथर महोदय तो इतने परेशान हो गए, वो क्या कह रहे हैं देखिए, इट हरीड अप द हाउस रेंट। मेरा घर का किराया मुझे 13 दिन पहले देना पड़ रहा है, ये भी कोई बात होती है? इसके अलावा बिल्स पेबल भी करने, टाइम टू टाइम जो भी मेरे बिल आते हैं वो भी पे करने, एंड सच थिंग्स इन सच अ रियूनियस वे दैट आई कुड नॉट अबाइड इट। और इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं जिनको वर्क अकॉर्डिंगली मुझे करना था
वह सब तो कहीं ना कहीं भागती जा रही हैं, एक रेस पकड़ रही हैं, और उस रेस में मैं अपने आप को लाइट पानी के बिल भर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हाउस रेंट के लिए दौड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो महीना है वो बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ रहा है। अगेन हम एक ही बात कहेंगे बच्चों, आप ऐसे लिखने की मार्क ट्वेन सर के ट्रिक्स देखिए, समझिए कि कैसे उन्होंने ऐसे को एब्रिविएट करके हम सबके सामने रखा है। आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड। अब भैया हमारे ऑथर महोदय इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो क्या करते हैं, चलो एक महाराज एक जो वॉच शॉपकीपर हैं उन्होंने तो घड़ी को आगे भगा दिया था, अब मैं दूसरे वॉच की जो शॉपकीपर है उनके पास जाता हूँ, और वो दूसरे के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भैया हमारी ये घड़ी है ये ख़राब हो गई है, आप हमारी घड़ी को ठीक कर दीजिए, आप ठीक कर देंगे तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा। अब सुकून नहीं मिल पा रहा या बहुत अच्छे से मेंटली रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेट्स सी। ही आस्क्ड मी If I had ever had it repaired, और जो शॉपकीपर है इसमें सेकेंड जो शॉपकीपर है यहाँ पे ही कौन है सेकेंड शॉपकीपर है वो क्या कहते हैं ऑथर को कि क्या आप यहाँ पे ये घड़ी लेके आए हैं, इससे पहले भी ये घड़ी कहीं और किसी और शॉपकीपर के पास आप लेके गए थे क्या? देखिए यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, I said no, नहीं 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 मैं तो किसी के भी पास लेके ही नहीं गया हूँ। It had never needed any repairing. क्यों नहीं लेके गया, अभी तक रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी, अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हल्के सा रिपेयर की ज़रूरत है, इसलिए फर्स्ट टाइम मैं आपके पास में लेके आया हूँ। जबकि हम रीड आउट कर चुके हैं कि एक शॉपकीपर को तो ज्वेलरी शॉप को तो ये विजिट कर चुके हैं और अपनी घड़ी की भी कहीं ना कहीं पॉलिशिंग करवा चुके हैं, अब गलत हो गई पॉलिश, वह खामियाजा भुगता जा रहा है। He looked a look of vicious happiness and eagerly pried the watch open and then put a small dice box into his eye and peered into its machinery. अब होता क्या है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, भले ही वो आँखों के डॉक्टर हो, भले ही वो दूसरी बीमारियों के डॉक्टर हो, या फिर भले ही वो हमारी घड़ी के डॉक्टर हो, तो ये जो घड़ी के डॉक्टर महोदय होते हैं, इट मीन्स जो घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, एक डाइस बॉक्स आपने देखा होगा कि ऐसा करके और उसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है, वो यहाँ पे अपनी आँख के पास फिट करके उसको चेक करते हैं घड़ी को। क्यों? क्योंकि घड़ी के जो माइनर पार्ट्स होते हैं ना, उनको चेक करना, उनका पता करना कि इन विच पार्ट देयर वॉज अ मिस्टेक। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं शॉपकीपर महोदय, डाइस बॉक्स लगाते हैं। उससे पहले बहुत ही पैनी तीखी तीखी नज़रों से देखते हैं, अच्छा घड़ी पहले कहीं नहीं गई थी कोने, अच्छा पहली बार ही मेरे पास में आई है। तो ऐसा कर करके वो ईगरली उसको वॉच को ओपन कर रहे हैं, डाइस बॉक्स लगा रहे हैं और मशीनरी का एक एक पार्ट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और हमारे ऑथर महोदय को कहते हैं, ही सैड इट वॉन्टेड क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, और पूरा छानबीन करके पूरा एक्सरे करने के बाद में घड़ी का वॉच के जो शॉपकीपर है वो क्या कहते हैं कि अरे आपकी घड़ी है ना उसमें कहीं ना कहीं क्लीनिंग की ज़रूरत है और ऑयलिंग की ज़रूरत है। क्लीनिंग इट मीन्स घड़ी में कहीं छोटे मोटे जो हम कहते हैं ना मिट्टी सी आ गई है, या हम कहते हैं ना रिझी बोलते हैं अपन उसको, वह आ गई है और कहीं ना कहीं इस घड़ी को ऑयलिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है। Besides regulating and asked me to come in a week. और regulating करने से पहले मुझे क्या कहते हैं, it means author को क्या कहते हैं shopkeeper कि आप एक week के बाद में आइएगा, I will return back your watch and that will be repaired. Okay? अब हम देखते हैं, after being cleaned and oiled and regulated my watch slowed down to that degree that it ticked all appointments I go to. Missing my dinner, I gradually drifted back into yesterday, then the day before, then into last week, and by the comprehensions
came upon me that all solitary and alone. अब देखिए भाई, पहले तो आगे भागे तो हमारे ऑथर महोदय परेशान हो गए, लेकिन जब दूसरे शॉपकीपर ने क्या किया, उस घड़ी को स्लो कर दिया. अब स्लो करने की वजह से क्या हुआ, क्लीनिंग भी हो गई, ऑयलिंग भी हो गई है, उसको रेगुलेट भी कर दिया है, लेकिन घड़ी इतने ज़्यादा डिग्री पे स्लो हो जाती है कि हमारे ऑथर के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इट मीन्स कहीं किसी से मिलना है, कहीं कहीं कोई लेक्चर देने जाना है, या फिर पब्लिशिंग हाउस में कोई शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स उनके हाथों से जाते जा रहे थे. बहुत स्लो चल रही थी घड़ी, और क्या करते हैं, कई बार तो इतनी स्लो चलती है कि ऑथर को अपना डिनर भी मिस करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि दोपहर ही दोपहर रहती है, रात आती नहीं है, रात ही नहीं आएगी तो ऑथर महोदय डिनर कैसे करेंगे. इसके अलावा देखिए, डे बाय डे धीरे धीरे पीछे जाते जाते, एक हफ्ता पीछे, लास्ट वीक तक पीछे चली गई, है ना. और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, और भी पीछे जाती जाती एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ऑथर महोदय बिल्कुल एलोन, एलोन मीन्स अकेले रह जाते हैं. अब उनके पास में इतनी परिस्थितियां हो जाती है कि अरे मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना भी सुकून नहीं है कि मेरे पास कोई बैठ सके, क्यों सारे अपॉइंटमेंट, सारे शेड्यूल्ड उनके बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाते हैं. I was lingering alone in a week before last and the world was out of sight. और एक और एडजेक्टिव लगा के, एक और हमें मेटाफर यूज करके ऑथर बताते हैं कि ऐसी पोजिशन हो गई थी कि मैं तो बिल्कुल एलोन हो गया था, और लास्ट वीक के हालत में तो मैं ऐसी जगह पहुंच गया था कि जो वर्ल्ड है वो मेरी नज़रों से ही दिखना बंद हो गया था, संसार दिख ही नहीं रहा था. इट मीन्स पीछे 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 घड़ी ने उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे की स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया था. I seem to detect in myself a sort of sneaking fellow feeling for the mummy in the museum. और अब तो हालत ये हो गई थी, ऑथर क्या कहते हैं, अरे मुझे तो ये लगता है कि मैं ऐसे फेलो के संग रहने लग जाऊंगा जो कि मम्मी बन के म्यूजियम में रह रहा है. इट मीन्स वंस अपॉन ए टाइम वाली पोजिशन में ऑथर अपने आप को फील करने लग गए थे. एंड अ डिजायर टू स्वैप न्यूज विद हिम, और बोले कि मेरे पास से तो जो इतने भी न्यूज़ वगैरह हैं वो भी दूर 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 बहुत दूर होती जा रही हैं. I went to a watchmaker again. अब बहुत परेशान हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि वापस इनको क्या करना पड़ता है, अपनी वॉच को थर्ड टाइम शॉपकीपर के पास में लेके जाना पड़ता है. ये जो थर्ड टाइम शॉपकीपर के पास में जाते हैं, तो अब तीसरे शॉपकीपर जो हम कह सकते हैं वॉच के डॉक्टर हैं, वो क्या गुल खिला रहे हैं इनके संग, ऑथर के संग तो नहीं खिला रहे बच्चों, हम देखते हैं उनकी जो घड़ी है ना उनके संग गुल खिला रहे. देखिए, He took the watch all to pieces. वॉच को ले लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं. While I waited and then said the barrel was swelled. और फिर जो हमारे ऑथर हैं वो तो वॉच करते रहते हैं, और क्या कहते हैं उनको, ऑथर को जो वॉच शॉपकीपर, वो कहते हैं कि इसका जो बैरल है उसमें स्वेल्ड, स्वेल्ड में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हम बोलते हैं ना, कि उसका जो बैरल है वह फूल गया है, उसमें एकदम फुलावट आ गई है. He said he could reduce it in 3 days. और थर्ड वॉच कीपर जो हैं, वॉच के शॉप कीपर जो हैं बच्चों, वो कहते हैं कि मैं 3 दिनों में इसको ठीक करके आपको दे दूंगा. After this the watch averaged well. लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ठीक होने के बाद में जो वॉच है वो एवरेज पोजिशन पे आ जाती है. But nothing more. पर ज़्यादा उस घड़ी में सुधार नहीं हो पाता है. For a half day it would go like the very mischief and keep up such a barking and wheezing and whooping and sneezing and
and snorting that I could not hear myself think for the disturbance. अब देखिए इतना तीसरी बार घड़ी जो रिपेयर होके आई है उसके बाद में महोदय इतना परेशान हो जाते हैं कि अब जो घड़ी है वो तो मेरे संग बहुत ही गलत तरीके से पेश आ रही है. क्यों आ रही है? कभी तो वो बार्किंग, डॉगी भौंकता है ना गली में, कुत्ते भौंकते हैं तो बोले कभी तो वो बार्किंग करने लग जाती है, कभी वो वीजिंग हिलने लग रही है और कभी वो वुपिंग कर रही है और स्नीजिंग खर्राटे भरना, स्नॉर्टिंग भी खर्राटे भरना. स्नीजिंग इट मीन्स ऐसे करके आवाज़ ले रहे हैं, स्नॉर्टिंग खर्राटे भरने की बहुत तेज तेज आवाज़ है. कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि घड़ी महोदय ने हमारे ऑथर को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं आई कुड नॉट हियर माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को भी नहीं सुन पाता हूँ, इतना इस घड़ी ने मुझे परेशान करके रख दिया है, इतना इस घड़ी ने मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया है. तो बच्चों ये जो पोजिशन आती है डिस्टर्बेंस करने की, तो हम क्या देखते हैं कि घड़ी तीसरी शॉपकीपर के पास जा चुकी होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. इट मीन्स अपना जो टाइमिंग है वो सही टाइमिंग नहीं शो कर पा रही है. तो क्या अब फिर घड़ी को वापस शॉपकीपर के पास लेके जाएंगे ऑथर महोदय? अब क्या नई गुल खिलने वाली है घड़ी के साथ में? क्या कुछ नया होने वाला है घड़ी और ऑथर के साथ? यही हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक बने रहिए बच्चों बिंदु के साथ. नमस्कार.